बेटा बेटा उठ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, नमाज़े फजर का वक्त हो गया है, रात को देर तक जाग रहा था। कुछ सवालात मुझे सोने नहीं दे रहे थे और सोच रहा था, इसी वजह से यहीं सो गया था। कैसे सवालात जो तुम्हें सोने नहीं दे रहे थे, मुझे भी बताओ। यही कि इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम किसकी वजह से शहीद हुए। ये जानना तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है? मेरा मज़हब इस्लाम है और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इमाम क्यों और कैसे शहीद हुए। उठो, नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज के बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر معاوية ابن ابو سفیان جو اس وقت شام کے علاقے پر قابض تھا اور اپنے اہداف بھی حاصل کر چکا تھا, वो पूरे आलम इस्लाम पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन इमाम के ज़िंदा होते हुए ये मुमकिन ना था। बाबा, माविया का मंसूबा क्या था? बेटा, माविया ने हर तरह से ये सोच लिया था कि इमाम को ज़रूर शहीद करना है। माविया ने बहुत सोचने के बाद ये तय किया कि वो इमाम अलैहिस्सलाम की बीवी को लालच देगा कि अगर उसने इमाम को जहर दे दिया तो उसकी शादी अपने बेटे यजीद से करवाएगा। उसने इमाम को शहीद करने के लिए माविया की बात को तस्लीम कर लिया। निगिबान, निगिबान, याओ। आका, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जाओ, उमर को बुला के लाओ। जी आका, आपने मुझे याद किया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक काम अंजाम दो। जी फरमाएं आका। बाबा, उसने कैसे चाहा कि ये काम अंजाम दे? हाँ, ये वाकया 28 सफर 50 हिजरी को पेश आया। वो मालो दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी, उसे मालो दौलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा, उसने आखिर ये काम कैसे अंजाम दिया? उसने पानी में जहर मिलाकर इमाम को पिलाया और 47 साल की उम्र में इमाम को शहीद कर दिया। आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खा लीजिए। खुदा सलामत रखे आपको, यहीं रख दें। और इमाम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, या अल्लाह मोमिनीन को अपने नूर से हिदायत फरमा और इन्हें अपनी नेमत से मालामाल कर।
और दुआ के बाद इमाम ने खाना खा लिया और जहर का असर शुरू हो गया। फिर इमाम कहते हैं, माविया ने जो वादा आपसे किया है वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा। और इमाम ने कलमाए शहादत पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तरह इमाम हसन को इस दुनिया के हविस परस्तों ने शहीद कर दिया।